नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वीडियो कॉल स्कैम हो जाता है। अब उनके साथ धोखे से हुआ हो या फिर उन्होंने जानबूझ कर उसमें एंटरटेन किया हो, कहीं ना कहीं दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है कि आपका वीडियो बन चुका है। अब अगर आपका वीडियो बन चुका है तो उसमें कुछ ऐसी हरकतें आप कर देते हैं जिसमें कि बाद में आपको पता लगता है कि शर्मिंदगी वाले काम थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से वीडियो कॉल आया उन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के उपरांत जो है उनको तुरंत उनका चेहरा उस वीडियो कॉल में आ गया है और वही ब्लैक मिरर ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब रिकॉर्ड करने के बाद जो है, जब वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, इसी के चलते हुए ब्लैक मिलर उस वीडियो को बनाकर जो है आपको भेजते हैं और फिर आपसे एक्सटॉर्ट करते हैं मनी और फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए कुछ लोग जानबूझ के कर लेते हैं, कुछ लोग बिना गलती के ही फंस जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर किसी प्रकार से आपका उस वीडियो में जो वीडियो गलत बना है और उसमें आपका चेहरा आ गया है, फेस आ गया है, तो तब आपको क्या करना है। मैंने अभी एक रिसेंट में एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आपका चेहरा नहीं आया है और आपके बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ आ गया है लेकिन आपका चेहरा वीडियो कॉल नहीं आया, तो आपको डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका वीडियो वायरल हो, अपलोड हो या ना हो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ये है कि अगर आपका चेहरा उसमें आ गया है और आपकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से आ चुकी है, तब आपको क्या करना है। क्योंकि इस वीडियो में जो है, जिसमें आपका चेहरा आ गया उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप कोई व्यक्ति उस वीडियो को देखेगा तो आपको पहचान लेगा और पहचानने के बाद उस वीडियो में आपके साथ दिक्कत आएगी और आपको लोग जो है वो सोचेंगे कि इस तरीके का काम आप वीडियो कॉल पर करते हैं। तो जब आपका वीडियो बन गया है और इस वीडियो कॉल में आपके पास आपका चेहरा आ चुका है, तो आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में। सबसे पहले आपको जो व्यक्ति आपके लिए बार बार कॉल कर रहा है उससे आपको समय मांगना है, टाइम मांगना है कि मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा सोचने का, क्योंकि वो जो है आपको बार बार इस तरीके की बात कह सकता है कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, वायरल हो रहा है, इसको रोकिए या फिर रुकवाइए, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन जहाँ पर आपको आपके मतलब प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट सब कुछ आ गया है, स्पेस आ गया है और आपको अब जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड धैर्य रखें, शांत रखें और थोड़ा सा समय मांगें उस ब्लैक मिरर से, क्योंकि आपको जो है वो आपको समय भी निकालना है और उस व्यक्ति से बचना भी है। यहीं पर कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि वो गाली गलौज करना शुरू करते हैं, गंदी गंदी गाली देना शुरू करते हैं। और मैंने ये भी देखा कुछ यूट्यूबर्स जो है वो ये बोलते हैं कि आप गाली दीजिए। मैं कहता हूँ आप गाली बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही सेंसिटिव वीडियो उस व्यक्ति के पास है और वो हो सकता है कि अगर आप उसको उकसाएं, गाली गलौज करें, तो हो सकता है कि आपको वो व्यक्ति जो है आपका वीडियो कहीं अपलोड कर दे या आपको किसी प्रकार से भारी नुकसान पहुंचा दे। तो ये आपके लिए नहीं करना है। बहरहाल, करना क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आपके साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप या तो अगर हो सकता है पॉसिबल तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत जाएं और इस बात की सूचना दें कि मेरे साथ में इस तरीके का स्कैम हुआ है। अब हो सकता है कि वो जो पुलिस में है, पुलिस वाले हैं, वो आपकी रिपोर्ट ना लिखें या फिर आपको को फटकार के भगा दें या आपको आपको कुछ और कह के बोल दें कि बाद में कहना या आपको कुछ और। तो अगर ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो आप अपने ही नज़दीकी कोई भी जो एडवोकेट साहब है, वकील साहब है, आप उनसे संपर्क करें, उनके थ्रू जो है वो अपनी FIR दर्ज कराएं या फिर उनसे सलाह लें, एडवाइस लें कि आप मेरे द्वारा जो है ये गलती हुई है, अब मैं क्या करूं। तो ये इस परिस्थिति में आप वहां पर आपको पूरी राय मिल सकती है या फिर आपको कोई भी नहीं मिल रहा तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो अब अगर ये परिस्थिति में अगर आप फंसे हैं तो आपको पहला काम तो ये करना है। दूसरा, अगर इसके बाद नहीं होता है तो आप एक नज़दीकी वहीं पर जहाँ पर आप थाने में गए हैं वहीं पर नज़दीकी में आपके कोई ना कोई एक साइबर सेल का पुलिस स्टेशन भी होगा, साइबर सेल के ऑफिस भी आजकल होते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर हमारे साथ में इस तरह की चीज़ हुआ है। और जैसे ही जो भी आपके पास नंबर्स वगैरह आते हैं वो सारे नंबर लिख लीजिए और सारे नंबर बताइए कि इन सभी नंबर से मुझे कॉल आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ।
तो अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि आपकी मदद हो जाए और आपके जो खिलाफ जो आपका वीडियो बन गया है उस पर भी एक्शन हो जाए। तो बस मैं इतना करना चाहूंगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।